सुरक्षा की जिम्मेदारी उठाने वाले पुलिस महकमे से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। दरअसल उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में तैनात दो महिला कांस्टेबल अपना लिंग परिवर्तन करवाना चाहती है। दोनों महिला कांस्टेबल लिंग परिवर्तन कराकर पुरुष बनने की इच्छा रखती है। ऐसे देखा जाए तो वैज्ञानिक दृष्टि से ये कोई नई बात नहीं है, लिंग परिवर्तन कराए जाने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। लेकिन बात यूपी पुलिस की महिला कांस्टेबल की है तो इसमें उनकी भर्ती व सेवा की शर्तें सबसे बड़ा महत्व रखती है। इसके लिए उन्होंने डीजीपी मुख्यालय को अर्जी दी है। महिला कांस्टेबल ने पत्र में पूरे मामले की जानकारी दी और अनुमति दिए जाने की मांग की है। महिला कांस्टेबलों ने हाईकोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया है। अब अफसरों के सामने ये एक बड़ी चुनौती बन गई है। अफसरों के सामने समस्या इस बात की है कि महिला कांस्टेबल की अर्जी का निस्तारण कैसे किया जाए। फिलहाल डीजीपी मुख्यालय की स्थापना विंग ने इस पूरे मामले पर शासन को पत्र लिखा है और अंतिम राय मांगी। तो चलिए आपको बताते हैं क्या है पूरा मामला। नमस्कार, आप देख रहे हैं द नगरी न्यूज और मैं हूं साक्षी शर्मा आपके साथ। दरअसल आवेदन करने वाली एक महिला कांस्टेबल ने अपनी अर्जी के साथ प्राइवेट डॉक्टर के लिंग परिवर्तन संबंधी मेडिकल रिपोर्ट भी लगाई। दोनों ही महिला कांस्टेबल ने संबंध में हाईकोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया। फिलहाल डीजीपी मुख्यालय के स्थापना विंग ने दोनों महिला कांस्टेबल के लिंग परिवर्तन संबंधी आवेदन को शासन को भेज दिया है, जिसमें विधिक और मेडिकल राय ली जा रही है। आपको बता दें कि शासन स्तर पर ही इस पूरे मामले में अंतिम निर्णय लिया जाएगा। दरअसल खुद को जेंडर डिस्फोरिया का शिकार बताने वाली यह महिला कांस्टेबल को बचपन से ही लड़कों की तरह रहना पसंद था। उसे शुरू से ही स्कर्ट पहनने में संकोच होता था, लिहाजा बचपन से ही सिर्फ शर्ट पैंट पहनना और बाल भी लड़कों के जैसे रखने का शौक था। स्कूल में भी वह लड़कों के ही खेल खेलती थी, इसी के चलते सारे बच्चे उसको लड़का कहकर ही बुलाते। गोरखपुर में पहली तैनाती पाने वाली यह महिला कांस्टेबल पल्सर बाइक चलाती है। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह भी उठ रहा है कि यदि महिला कांस्टेबल को लिंग परिवर्तन कर पुरुष बनने की अनुमति दे दी जाए तो उसकी भर्ती के मानकों और सेवा नियमों को लेकर आने वाली अड़चन को कैसे दूर किया जाएगा। सवाल इस बात का भी है कि यदि महिला कांस्टेबल को पुरुष बनने की अनुमति दे दी जाए तो फिर उस महिला कांस्टेबल का पुरुष कांस्टेबल की भर्ती के मानक के अनुरूप में कद कैसे बराबर होगा। अब ये तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल इस पूरे मामले में अंतिम निर्णय शासन स्तर पर ही होगा। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।